अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू मैना तो वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, मोदी जी से रिलेटेड है। मोदी जी गए हैं मिलने के लिए और उन्होंने मतलब कानपुर में लोगों से मिले हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सो यही वीडियो आज हम देखेंगे कि क्या बात की है और किस वजह से उनसे मिले हैं। सो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शर्मा प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। कोई इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही की आवाज आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? और इससे मैंने लाखों में बातें करती हूं। सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी, आज वो स्थिति थी जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है। और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और वीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मार्क्स लॉकडाउन में मैंने मार्क्स भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। उससे मैंने अपने वीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर। और इससे मैंने जी सर सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा, यूपीका से मुझे लेते हैं इसको। हाँ जी सर, घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है सर। ये एक दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे, जी हाँ। और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बारी राशन मिलता है मेरे को फ्री का। और लाइट हो गई है, उज्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं मेरे को मिलती है। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर, करीब 1 साल हो गया सर। अच्छा बना ली सर जी, आपका तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आ रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं, खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग परेशानी होती थी, होती थी हम लोगों को, मतलब कि अब हम 3 दिन से सोते तो कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी 2 बेटियों को लेकर के, हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े, जो आज मैंने दिन देखे हैं इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, आपने बहुत और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बात सर। ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था, मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था, आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी-छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं और 10-20 लोग के हम सिखाते भी हैं। हम यही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आप, आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको, गरीबों का सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ। मैंने भी, मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में, मेरा इशू हुआ था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था, तो मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिजनेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे,
तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपये के लोन की प्राप्ति हुई और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10-12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था आपने? नहीं सर कुछ नहीं था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला, उससे मैंने खुद से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में, बाई चांस मेरे स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है कैसे कुकिंग करनी है और बहुत अच्छे से सर्विस। सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो झुको मत झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब वो काम नहीं सर लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहो अरमानों के नाम से और सर ODOP के अंतर्गत मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी, अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही की आवाज आ रहा है कि मजबूरी हो रही है। चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं, चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए
वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। राइट फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें मोदी जी मिल रहे हैं अब इंडियन जो मतलब कि कानपुर में जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उन सबको लोन दिया जा रहा था जो कि कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और उनके उनसे जो है वो पूछा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो बेसिकली अपना बता रहे हैं वन बाय वन करके कि हमें पैसे चाहिए थे, हमने अप्लाई किया और यहाँ से हमें पैसे मिले और हमने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कुछ लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं, मतलब अपने पास एम्प्लॉयमेंट रखकर लोगों को रोजगार दिया हुआ है, कुछ लोग जो है उन्होंने अपना छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है। मतलब कि आपको पता है महंगाई का वक्त चल रहा है और लोगों को पैसों की जरूरत है और लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, तो उसी की वजह से आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे यही लगता है कि हमारे यहाँ की जो मतलब कि बेसिकली इंडिया की जो है वहाँ पर लोग जो हैं बिजनेस करना चाहते हैं और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग, यहाँ पर फीमेल्स होती हैं जो घरों में होती हैं तो उनको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, मदद चाहिए होती है। तो ये एक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मतलब कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को लोन देकर उनको पैसे देकर कि आप बिजनेस करो फिर उसके बाद आप उतार देना। तो आई थिंक कि ये एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए भी स्पेशली और भी बहुत सारे लोगों के लिए। सो ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा और लोगों को मुझे लगता है कि जो लोग हैं इस तरह से जो सोचते हैं बैठ करके उनको कुछ नहीं मिल सकता, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है, वो यहाँ से लेकर पैसे कर सकते हैं। और बैंक बारूदा करके नाम है, ये मैंने वहाँ पर भी देखा था, दुबई में देखा था, बरदुबई में, तो वहाँ पर भी ये बैंक था और काफ़ी बड़ी ब्रांच है इसकी वहाँ पर। तो खैर ये बैंक मैंने वहाँ पर भी देखा है तो मुझे तब पता चला था कि ये इंडियन बैंक है। तो एनीवेज अच्छी बात है, और वो फीमेल बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि मोदी जी आपने हमारी इतनी मदद की है, अगर आप नहीं होते तो यकीनन हम लोग ये कैसे अपना सिस्टम चलाते। और मैं उनके बच्चे भी आई थिंक वो डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स्ड हैं वो, तो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है कि खुद भी यंग ही दिख रही थी और कम एज की दिख रही थी और उनके दो बेबीज़ भी हैं और वो इतनी मुश्किल से अपना सेटअप चला रहे हैं, अपने बच्चों को चला रही है, और काफ़ी वो अजीब सा ही फील हो रहा था कि यार देखो वो ये कह रही हैं कि जैसा हमने वक्त देखा है वैसा वो ये बच्चे ना देखें और वो यही ख्वाहिश कर रही हैं। तो मतलब हर माँ बाप यही चाहता है अपने बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखो ये एक अच्छा स्टेप है, इससे उन फीमेल्स को भी, इस तरह की फीमेल्स को बहुत हेल्प मिलेगी, उनके सर पे हाथ आ जाएगा और मोदी जी जो हैं वो इस तरह से करके काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर शेयर करना। और जिस तरह से मोदी जी उन सब के सर पे हाथ रखा और उनसे बात की है और उनसे पूछ रहे थे, कितना अच्छा जेस्टर है कि लोगों से मिलकर बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुलाकात करते हैं मुस्कुरा कर और फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ उनकी बातें सुनते हैं ध्यान लगा कर, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर अगर हर जगह पर हो तो फिर क्या ही बात है। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।